यवतमाल जिले के दिग्रा शहर में नगर पालिका का जलापूर्ति विभाग इतना सुस्त है कि भीषण गर्मी के मौसम में कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं, तो कहीं पाइपलाइन फूटने से हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। पेश है संवाददाता जुबैर खान की स्पेशल रिपोर्ट। दिग्रा शहर के ज्यादातर इलाकों में जलापूर्ति वितरण प्रणाली चरमराने से जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। वहीं इस भीषण समस्या के बावजूद शहर के शंकर टॉकीज परिसर में पूसद रोड के नए पुल के पास बीते 15 दिनों से फूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत समय पर नहीं होने से रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ मोती नगर में बीते 13 दिनों से जलापूर्ति के अभाव में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। घरों से सामने रखे पानी के ये बर्तन मोतीनगर वासियों की समस्या और उनके सब्र के इम्तिहान की कहानी बयां कर रही है। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाकिफ नहीं है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों के माथे पर कोई शिकन नहीं है। दिग्रत वासियांना पाणी पुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी आहे सगळे चौकाती मागील 15-20 दिवसापासून फुटलेली असून दिग्रतवासीय पाण्याच्या एकाएका थेंबासाठी त्यांना भटकत राहावं लागते। त्यांना 8-8 दिवसानंतर पाणी पुरवठा केला जातो आणि या ठिकाणी विनाकारण पाणी वाहत आहे। याकडे दिग्रत नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे जाणूनबुजून त्यांच्या आळशीपणामुळे दुर्लक्ष होत आहे। तरी मी माननीय दिग्रत नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी जे काही या ठिकाणी गड्ढा पडलेला आहे, जे काही मुख्य जलवाहिनी फुटलेली आहे, याची दुरुस्ती करण्यात यावी आणि दिग्रतवासियांना पुरवठा करण्याची पाणी पुरवठा लाईन आहे त्यांनी पूर्वत चालू करावी आणि दिग्रतवासियांना जी काही पाण्याची समस्या भेडसावणारी आहे यांच्या समस्येचा तोडगा काढावा। 13 दिन होते बोला नल नाही आले बोला, हमने बार बार फोन लगा के परेशान हो जाए नल वाले को, कब आ रहे करके ऑर्डर नहीं हो नल का बारे में। अरुणावती बांध में पर्याप्त जल स्तर होते हुए भी पालिका प्रशासन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों के अड़ियल रवैये और बिगड़ेल कार्य प्रणाली से शहर के कई इलाकों के लोग और खासतौर से मोतीनगर परिसरवासी बेहद परेशान हैं। जल संकट से जूझ रहे ये लोग चीख चीख कर अपनी अपनी समस्याओं से पालिका प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस के प्रशासन में शामिल नौकर शाहों की मोटी चमड़ी और पत्थर से बने उनके कानों तक न तो लोगों की तकलीफ की संवेदनाएं पहुंच रही है और न ही उनकी आवाज़। NBC न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।